लकी न्यू सिटी बैंक से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल रहा था। असल में उसे क्लास में जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो बिना यास्मीन से कुछ कहे या उसे सबक सिखाए वहां से निकल गया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसके पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गए। ओह शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क पर साफ करने लगा। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर की ओर देखकर उसे कोस रहा था। कॉलेज की सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन वो लोग एक भी गड्ढा नहीं भरवा रहे थे। जब भी लकी इस चीज की कंप्लेन करने के लिए वहां जाता, तो वो इसे ये कह देते कि फंड ही नहीं है। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत भी कर दी थी। जैसे ही उनकी नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी, तो उनकी आंखें निराशा से भर आई। इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया था और उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे, उनमें से कमलनाथ जी को लकी सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर ये बात जानते थे कि लकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, इसलिए वो भी लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अबे ये फटीचर कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये कभी लेट नहीं हो सकता। आज क्या हो गया इसे? एक लड़के ने लकी को चढ़ाते हुए कहा। अबे यार इसकी पैंट तो देख कितनी गंदी है भाई, क्लास में लड़कियां भी होती हैं, कम से कम कपड़े तो ढंग से पहन के आ यार, दूसरे लड़के ने कहा। और उसकी ये बात सुनकर उसके पास बैठी लड़की हंसती और बोली, अरे कहां से पहन कर आता, कपड़े के लिए तो पैसे है नहीं इसके पास, एक ये कपड़ा है इसके पास, बहुत है इसके लिए। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फफ्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके ऊपर कुछ न कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था, इस तरह की फफ्तियों का सामना वो रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था, और आज भी उसने अपना सिर नीचे तो झुका लिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि यह अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा है। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर बढ़ने लगा, उधर से कमलनाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपस में बात करना बंद करो, अगर तुम लोग इस तरह बात करते रहोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लग गए। तब तक लकी भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। कमलनाथ जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते पढ़ाते ना जाने की उनकी नजर बार बार लकी की ओर जा रही थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि कमलनाथ जी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें लकी के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। थोड़ी ही देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई। बच्चों आज की क्लास यही खत्म होती है, कल आप सबको क्या काम करके लाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, कल मिलते हैं आप सबसे, कमलनाथ जी ने कहा और क्लास के बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिंपल। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां कोई और नहीं बल्कि डिंपल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। ये लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। राहुल ने दरवाजे से झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिंपल के पास चला गया। डिंपल खिड़की के पास बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिंपल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिंपल को सबके सामने चूम लिया था। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिंपल लकी की गर्लफ्रेंड है, किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिंपल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया था। अरे भाई लकी, क्या हो रहा है ये सब? डिंपल राहुल के साथ कैसे? उसके एक दोस्त ने आकर लकी से कहा। होने देना यार, जो हो रहा है छोड़ना, लकी ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं हो रहा था। अरे भाई तुझे पता है वो राहुल कितना चालू आदमी है, अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और ये डिंपल छठी है, लकी के दोस्त प्रीतम ने उससे कहा।
उसकी ये बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देख कर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिंपल की ओर देखने लगा, जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिंपल की नजर भी लकी पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी, सुना जरा। अचानक से डिंपल लकी के सामने रुकी और बोली। उसने अभी भी राहुल की कमर में अपना एक हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोल कर लकी के मुंह पर फेंक दिया और बोली, अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे इस बेकार से कवर की कोई जरूरत नहीं, इसे तुम अपने पास रख सकते हो। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर उठाकर अपनी टेबल पर रख दिया। बेबी, इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया? कवर कौन गिफ्ट में देता है भाई, राहुल ने उसके सामने ही डिंपल से कहा। राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिंपल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी बात यह है कि जिसकी मोबाइल खरीद कर गिफ्ट करने की औकात नहीं होगी, वो सिर्फ कवर ही तो गिफ्ट कर सकता है ना, और क्या। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलवाता हूँ। आ जाओ, चलते हैं कनॉट प्लेस और वहां से लाते हैं बेबी के लिए एक नया नया फोन, राहुल ने कहा। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, हमने एक पहले नया फोन खरीदेंगे और फिर उस फोन की पार्टी भी करेंगे, और उसके बाद आज, डिंपल ने कहा और राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल भी और लकी भी उसके इशारे को समझ गए थे। लकी जानता था कि ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए वो कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि डिंपल के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर डिंपल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई ये सब क्या हो रहा है, तेरे सामने ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराया जा रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा तुझे, प्रीतम ने लकी से पूछा। नहीं यार, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, इसलिए चल यार छोड़, लकी ने कहा और फिर राहुल और डिंपल की ओर देखने लगा। अब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर से भवक गए। दोनों की दोनों ही ये सब सिर्फ और सिर्फ लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसे बैठा था जैसे उसका और डिंपल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी इस बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखा तो डिंपल राहुल से बोली, बेबी चलो यहाँ से। बेबी नहीं बेबी, हबी, आज से तुम मुझे हबी बोलोगी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी, राहुल ने कहा और लकी के सामने ही डिंपल को चूम लिया। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल भुन तो गया और उसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, डिंपल ये सब क्यों कर रही हो तुम, क्या दिखाना चाहती हो इससे। लकी को डिंपल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओए फटीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद अगर तूने मेरी डिंपल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खराब चीज ना तो देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ, लकी ने कहा और फिर से प्रीतम की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से लकी आज राहुल के मुंह पर जवाब फेंक कर मार रहा था, प्रीतम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लकी है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो रहा था। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तान कर उसकी दिशा में बढ़ा ही रहा था कि इतने ही में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, डिंपल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा, वहां पर एक थोड़े छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिंपल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा लगा था और उसके बाल खुले हुए थे। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है डिंपल, लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ पड़ी है, तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी क्या कह रही है तू, जुबान संभाल अपनी, डिंपल ने कहा। राहुल के बारे में बुराई नहीं बल्कि लकी के बारे में अच्छी बातें सुनकर डिंपल का मन खराब हो गया था। जब डिंपल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिंपल और लकी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो डिंपल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूँ ना सही कह रही हूँ, तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिंपल,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा, साक्षी ने कहा और एक कदम आगे आ गई। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी इसलिए राहुल भी कुछ नहीं कर सकता था। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई यार? लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहा था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरे खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक लेके आता था। तुझे याद है ना जब हम हिमाचल घूमने गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी तो ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है, साक्षी ने कहा। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब कुछ सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिंपल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिंपल के ऊपर जान छिड़कता था, उसका बस चलता तो वो डिंपल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो फिर भी डिंपल की छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिंपल ने उसके मुंह पर फेंक कर मारा था वो कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया उसकी पलकों की कोरे भींग गई थी। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी, उसने आगे कहा, अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोल गप्पे के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा तेरे लिए पैसे जुटा रहा था, रोज दाल और रोटी खा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनकर डिंपल का चेहरा ही बुझ गया था। उसे भी साक्षी की कही बातें दिल पर लग रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी और उसका हाथ राहुल की कमर में था। वो चाह कर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी, इसलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये तो इसका प्रॉब्लम है ना, मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर ये मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो फिर मैं बिना घी वाली रोटी क्यों खाऊं? लकी डिंपल की ये बात सब सुन रहा था और उससे पहले कि वो कुछ जवाब देता अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से उसे फोन आया था। साक्षी और डिंपल के बीच हो रही बहस के बीच ही लकी फोन उठाने के लिए वहां से निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठ के चला गया, चलो अभी। डिंपल ने राहुल के हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस घर आ जा जल्दी से। यह आवाज सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया था। उसके दिमाग से डिंपल के सारे ख्यालात चले गए थे और सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें भींग आई थी। आखिर किसकी थी वो आवाज, किसका फोन आया था लकी को जो उसका घर पर इंतजार कर रहा था? क्यों आखिर लकी की आंखें भींग आई थी?